जी ये पंचायत हुई है तो इसमें क्या निर्णय ले रहे हैं, किस तरह की क्या निर्णय रहे इसमें क्या? देखिए माननीय, हमारे जाट समाज में खाप पंचायत का बड़ा महत्व होता है, तो आज ए टू जेड कॉलोनी में सभी कुछ खाप के चौधरी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जैसे कि इसमें सेवा मान दलाल और देसवाल, और सभी ने आपस में बैठ के एक मीटिंग की है, जिसमें अपने समाज के गोत्रों में जो आपस में उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उनको इकट्ठा किया जा सकता है, और कैसे हमारी ओर से जो योजना आगे इनकी रहेगी कि जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी गोती भाई के यहाँ जाट समाज में दो बेटे से ज़्यादा बेटी होगी, उसमें देसवाल खाप की ओर से उनको प्रमाण पत्र दे करके और जो सहायता राशि अगर वो गरीब परिवार से उनको दे करके उनका एक मैसेज देने का कार्य किया जाएगा कि बेटी को उसको बचाओ भी और उसको पढ़ाओ भी, और उसकी अगर वो निर्धन है तो उसकी सहायता भी। तो ये अभी खाप के कुछ निर्णय लिए गए हैं, इसमें सभी खाप के पदाधिकारी जितने यहाँ पर थे वो हमारी टीम के साथ, जैसे कि हमारे टीम के द्वारा क्षेत्र में अलग अलग हर समाज को लेकर जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक संदेश देने का कार्य इस मंच से किया गया है कि जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, जो समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वो अपने खाप के जो पंचायत के जितने भी अपने समाज के लोग हैं उनके बच्चों के लिए, उनके प्रति एक देश की अपने मजबूत बनाने के लिए कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर ये मुहिम चलाई जाएगी, और समाज के और गोत्र के परिवारों में जा जाकर उनकी परेशानियां, चाहे वो बच्चों की परेशानियां हैं, चाहे वो किसी भी आर्थिक रूप से परेशान है, तो हमारे जो चारों गोत्र की जो पंचायत है इन्हें एकाग्रीन करके सभी। मनीष भाई, जैसे कि लड़कियों की ज़्यादातर कमी हो रही है तो उनको लेकर निर्णय लिए जा रहा है यहाँ पर? देखिए लड़की होना बड़ा ही सौभाग्य बात होता है, आगे कुछ समय ऐसे चल रहे हैं कि हर एक आदमी सिर्फ एक बच्चा पैदा कर रहा है और समाज के लोग उसको पढ़ाने के चक्कर में उसको विदेश भी भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक इस मैसेज इस मंच से एक मैसेज देने का कार्य किया जा रहा है कि बेटी अधिक से अधिक पैदा करें, ताकि आने वाले समय में हमारे जो युवा पीढ़ी है जो जाट समाज की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका वंश आगे चले, और इस खाप के मंच के माध्यम से ये पहल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खाप बड़ा महत्व आपस में इस समाज में रखता है, और बहुत ही जल्द मिलकर सभी खापों को साथ लेकर के इस ज़िले के अंदर एक बहुत अच्छा सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें सब खाप की पंचायत होगी और उसमें अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधारा जाए उस पर गौर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिया राम। आज इस छोटे से मंच पर सीमित संख्या में खाप पंचायत के व्यक्तित्व इकट्ठे हुए और सभी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया और लाडली योजना का परिचय दिया, वो बहुत ही सुंदर है। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल में जब पौराणिक काल था उस समय भी स्त्रियों की प्रधानता थी। आप ये देखिए लक्ष्मी गणेश, सीता राम, राधा कृष्ण, इस तरीके से जो है प्रथम जो है नारी की पूजी जाती थी, और भारत को भी माता कहकर पुकारते हैं, उसका भी संबोधन स्त्रीलिंग से है। तो इस तरह ये जो एक परंपरा बनाई गई है उसके अनुसार बहुत ही अच्छा है, और आप ये देखिए कि माता पिता की सेवा में भी बेटियां पीछे नहीं हैं और बेटियां जो है नित्य उन्नति के स्थान पर चलती चली जा रही हैं, और आज पूरे विश्व में मातृत्व को संरक्षा की आवश्यकता है और बेटियों के बढ़ने की आवश्यकता है, उनकी संख्या बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि प्रकृति का और सभी देशों का और समाज का संतुलन बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। जी आपका नाम? शरणवीर सिंह देसवाल। अच्छा, कौन सी खाप से है आप? देसवाल खाप है उत्तर प्रदेश, देसवाल खाप उत्तर प्रदेश। आज ये पंचायत हुई यहाँ पे, तो किन मुद्दों को लेकर पंचायत हुई, क्या मुद्दे रखे रह गए पंचायत में? मुद्दे हमने 2012 से जो लाडली योजना चला रखी बेटी बचाओ, तो उसी पे जो है भाई नई जागृति सी हो, इकट्ठा हो के भाई इसे अभियान को और तेज करा जा, तो इस मुद्दे पे है। और दूसरा मुद्दा ये चाह रहे कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें खेल कूद की तरफ ले जाया जा, जिससे कि वे इधर उधर ना भटक के एक लाइन पकड़ जा अपनी, और अपना अपने देश का अपनी खाप का अपने नाम ऊंचा करे, अपने परिवार का, और एक रास्ता बिल्कुल ठीक निकल जा, सभ्य समाज हो जा, हमारा अभियान ये है।
जी लाडली वो चला रखी योजना, क्या योजना है, क्या लाभ मिलेगा लोगों को, किस तरह का? इसमें ऐसा है कि जैसा मान लिया हमारे पास कुछ कोस हो जाए जमा, भाई फंड में पैसा आ गया, तो हम उसमें जैसी भी राशि हो जा इकट्ठी 1,500, एक तो उन लड़कियों को यो दे दें, और एक ये जो हमने बनवा रखा है पहचान पत्र, यो उसे दे दें, और भविष्य में जैसा भी मदद होगी, दो बच्ची तीन बच्ची जिसके भी है, आप उसकी मदद के लिए तैयार है। अच्छा, ये लाडली खावी योजना इसलिए चलाई गई है कि लड़कियों की कमी ज़्यादातर? हाँ, लड़कियों की कमी, जो भाई भ्रूण हत्या से बचाव कैसे हो, मेन पर्पज है कि भ्रूण हत्या ना हो, लड़कियों की कमी पूरी की, लड़कियों की कमी भी पूरी करी जाए, इस बहाने जो है हम तो नु कहें भ्रूण हत्या हो ही ना, भाई हमारा तो सुझाव ये है कि भ्रूण हत्या बंद हो, सरकार भी इस पर जोर लगा रही है, लेकिन कुछ दलाल लोग हैं जो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, तो जैसे कि भ्रूण हत्या करने वाले लोग हैं, जो समाज के लोग भी कुछ इस तरह के होंगे, तो उन पर किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? उन्हें जो समाज निर्णय लेगी, उन्हें जो कानून के दायरे में है उसे सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रावधान है कानून का, कानून से बाहर तो खाप कभी जाती नहीं, कानून के दायरे में ही रह कर काम करेंगे।